हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाता है जो बनाते समय बहुत मज़ा आता है। सो ये एक मेरी जूनियर और फ्रेंड आप बोल सकते हैं, उनके रिलेटिव्स ने भी उनसे ऐसी सारी बातें पूछी होंगी, तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ के बारे में कुछ बताइए अगर फिजियोथेरेपी में ऐसा कुछ है। गाइस देखिए, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी फील्ड है और इसके लिए मोस्टली आप कोई सी वैसी कंडीशन लेकर आएंगे जो कि नॉर्मल डेज में नॉर्मल चीज़ों में ट्रीट नहीं हो सकती है, मगर फिजियोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट है। सो गाइस, क्या हुआ कि उन्होंने एक कंडीशन ऐसी रख दी जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, वो होता है डबल चिन। अब डबल चिन में आप लोगों ने देख रखा है कि आजकल लड़कियां जो सेल्फी लेती हैं, ऐसी सेल्फी ले रही वहाँ से सेल्फी ले रही हैं, सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी अच्छी अच्छी सेल्फीज लेने की कोशिश करते हैं और उनके जो डबल चिन है अगर वो दिखते हैं तो फोटोज़ अच्छे नहीं आते हैं, फिर इतने सारे फोटोज़ रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे एक वीडियो। तो गाइज ये जो वीडियो है, डबल चिन कैसे ख़त्म करना है ये उसके ऊपर है। मैं आपको 5 छोटी छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको परफॉर्म करनी है और ये परफॉर्म करने के बाद आप 1 हफ्ते के अंदर अपने डबल चिन के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आपको डबल चिन के पहले रीज़न बता दूं कि डबल चिन आता क्यों है। एक हमारी मसल होती है प्लैटिसमा मसल जो कि वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो होल्ड नहीं कर पाती है और हमारा जो डबल चिन है वो दिखने लग जाता है। अब प्लैटिसमा मसल को आपको ट्रेन कैसे करना है वो मैं आज आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी नेक एक्सटेंड करने की। अब गाइस देखिए, नेक एक्सटेंड आपको कैसे करना है कि नॉर्मल आप नेक एक्सटेंशन करिए, उसके बाद जैसे आप पाहुट करते हैं, होंठ बाहर निकालते हैं या आप जो फिश फेस होता है ऐसे करके, आपको वैसे पूरा माउथ ओपन करना है, एक्सटेंड करना नेक और वहां पर वो पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। देखिए आप गाइस इस पोजीशन को जब आप 15 सेकंड्स तक मेंटेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको नेक में स्ट्रेच हो रहा है और ये स्ट्रेच असल में प्लैटिसमा मसल का है। इसको आपको ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स करना है और आप इसकी 10 रिपीटेशंस करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद गाइस दूसरा होता है ओरिजिन टू इंसर्शन, हमें प्लैटिसमा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके खींचना है। अब इसको हम क्लेंचिंग भी बोलते हैं, क्लेंचिंग ऑफ द लोअर जॉ। अब इसे करते कैसे देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो आपको क्लेंचिंग भी वही सेम करना है, 10 to 15 सेकंड्स होल्ड करना है और आपको ऑलमोस्ट इसके भी 10 रिपीटेशंस करना है। फिर गाइस तीसरा आता है च्युइंगम एक्सरसाइज। आप च्युइंगम एक्सरसाइज में आप सोचेंगे कि हमें फ्री में मुंह चलाना है, नहीं नहीं, आपको च्युइंगम लेकर आना है, आपको च्यू करते रहना है कंटिन्यू और आपको फिर कोशिश करनी है कि आप च्युइंगम को जो हमारा अपर पैलेट होता है माउथ के ऊपर वाला हिस्सा, आप च्युइंगम को क्या करें वहाँ पर रख लें और ज़ुबान से उसे वहाँ पर 10 to 15 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करिए। इससे भी हमारी नेक मसल्स जो रहती हैं वो स्ट्रांग होने लग जाती हैं। फिर गाइस चौथा आता है नेक रोल, जिसमें आप ऐसे करके नेक को रोल करते हैं। तो नेक रोल करने से हमारे नेक के पास वाली जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होने लग जाती हैं। और गाइस पांचवा आता है नेक हैंगिंग एक्सरसाइज या जॉ जूट। अगर आप इसको सुपाइन में करेंगे तो इसको नेक हैंगिंग बोलते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आराम से टिक जाना है और अपनी नेक को पीछे की तरफ ले जाकर हैंग करना है। अब देखिए, जब आप नेक को हैंग करेंगे तो आपकी प्लैटिसमा मसल ऑटोमेटिकली काम करेगी और ऑटोमेटिकली काम करने की वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा प्लैटिसमा मसल स्ट्रांग होने लगेगी। गाइज ये 5 छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं, आप इन्हें परफॉर्म करके देखिए और विद इन अ वीक आपको अपने डबल चिन के अंदर डिफरेंस दिखने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसे करके देखिए और जिन लोगों के डबल चिन है या जो लोग इस चीज़ से रेट पाना चाहते हैं, जो लोग इसको हटा देना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी सेल्फी अच्छी आए, आप लोग उन लोगों से शेयर करिए और उन लोगों को बताइए कि ये सारी चीज़ें ऐसा हो सकती हैं। अगर आपको और कोई छोटी ऐसी प्रॉब्लम है जो लगता है कि फिजियोथेरेपी में उसका इलाज नहीं है या नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ढूंढूंगा और आप लोगों को उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो अपने जान पहचान वाले लोगों को ये शेयर करिए, जिन लोगों के डबल चिन्स है वो आज से इसको प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए और आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने बस इसको ऐसा बोल दिया, मैंने खुद ने इसको पहले प्रैक्टिस किया और मैं अपनी एक सेल्फी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ये सेल्फी देखिए, आपको मज़ा आएगा देखकर। तो गाइज सभी लोगों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।